किसी सूरत असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा पहले दिन से कहा था ये हुकूमत क्रिमिनल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानेदार है, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वाज़े किया कि इंतखाबात में अंदरूनी सिंध सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, बोले लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पीटीआई का आज मियांवाली में सियासी पावर शो, नवाही इलाका कमरमशानी में जलसे की तैयारियां जारी। हर तरफ पार्टी परचम की बहार, कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश, कारकुनान का पीटीआई तरानों पर रक्स। चेयरमैन पीटीआई जलसे से खिताब करेंगे, शुरका का लहू गरमाएंगे। ये इंतखाब का साल है, आपस में बातचीत करें, जिद छोड़ें, एक दूसरे को मुतमईन करके इलेक्शन की तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सियासी रहनुमाओं को मशवरा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा, आपस में मुनाफत कम करके इत्तेहाद कायम करें। हुकूमत तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से खौफजदा, मुमकिन मार्च रोकने की सर तोड़ कोशिश। इस्लामाबाद किला बंद, फैजाबाद 1100 कंटेनर्स पहुंचा दिए, 30,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात। डी चौक, नादरा चौक और सरीना चौक पर सड़क खोद डाली। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान को बनी गाला में नसर बंद करने का मंसूबा। धरने के ऐलान पर इस्लामाबाद एक हफ्ते मुकम्मल सील, स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां, इम्तहान मुलतवी किए जाएंगे। कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते, लोग इस्लामाबाद के अंदर से और मारगेला की पहाड़ियों से निकलेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बरस पड़े, ट्वीट में लिखा इन बुतों को तोड़ने के लिए अवाम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकलें। शेख रशीद भी डट गए, कहा असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। उमर सरफराज चीमा बोले हुक्मरान पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोकना चाहते हैं, एहतजाज करना जमहूरी हक है। सच का बोल बाला हो गया, खातून जज के खिलाफ बयान का मामला। इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर, सेशन जज का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। वकील बाबर अवान का कहना था इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं, हुकूमत ने मुकदमात का लुंडा बाजार लगाया हुआ है, आइन में तब्दीली इमरान खान ही कर सकता है। मरियम नवाज को लंदन में भी अवामी रद्द अमल का सामना, एयरपोर्ट पर आवाम का हुजूम उमड़ आया, शरीफ फैमिली के खिलाफ नारे। एवन फील्ड के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। ऑडियो लीक पर दामन बचाने और साजिश के ताने बाने कहीं और जोड़ने की कोशिश, शहबाज शरीफ की वजाहतें। लंबी चौड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क में सियासी इंतशार का तमाम तर मलबा इमरान खान पर डाल दिया, कहा सदर मुमलिकत और डिप्टी स्पीकर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत असेंबली तहलील करने में अपना किरदार अदा किया। कुछ लोग आज भी साजिशें कर रहे हैं, सैलाब पर भी सियासत की जा रही है, सियासी मुकाबला होगा लेकिन उस वक्त मुतासरीन की मदद करने देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सैलाब सदकान को छोड़कर जलसे नहीं कर सकता, सियासी जमातों से अपील है स्टॉप का बटन दबा दें। मजीद बोले पीटीआई के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी कहती है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, एक पुलिस वाला नहीं दे सकते, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का रद्द अमल, कहा सैलाब के दौरान क्रिकेट मैच हुआ, पुलिस लगी लेकिन इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं। शर्तिया कहता हूं अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं होगी। खुर्रम शेरजमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, बोले दो माह से गायब बिलावल को आज सिंध याद आ गया, सिंध के लोग इनकी हकीकत जान चुके हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने लगी, वजीर खजाना इसाफदार का रद्द अमल, बोले साबिक हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था, फिर सबने देखा क्या हुआ, डॉलर की सही कदर 200 रुपए से कम है, पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने की अशद जरूरत है। हुकूमत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 19.99 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम करने का फैसला। कराची लावारिस डकैती मुजाहमत पर एक ही दिन में 3 मासूम नहते शहरी कत्ल, औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर शहरी जा बहक, सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर में सोए हुए ड्राइवर बिलाल खान को लूट कर कत्ल कर दिया गया, बल्दिया सईदाबाद गुलशन मस्तूर में शादी हॉल के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक।
मंजूर कॉलोनी, लांठी मुर्तजा चौरंगी और साइट सुपर हाईवे और पे डकैती मजाहमत पर 3 शहरी जख्मी। सैलाब की तबाहकारियां बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी ताफुन की शक्ल इख्तियार कर गया। कश्मीर में बीमारियां फूट पड़ी। गांव भाई खान जखरानी में मलेरिया गैस्ट्रो से 5 बच्चों समेत 6 अफराद का इंतकाल। जल्द की बीमारियों में भी इजाफा, मुतासरीन का पुरसान हाल नहीं। बलोचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां जारी। इंटरनेशनल रेसलर्स भी सैलाब सदगान की मदद के लिए पेश पेश। बैनुल अक्वामी रेसलर्स टाइनी आयरन, एडम फ्लेक्स मारिया में एमिल डेब और पाकिस्तानी रेसलर बादशाह खान की पाकिस्तान आमद। क्राइस्ट चर्च में सैफ अली की सीरीज का आज से आगाज। शाहीन बंगाल टाइगर्स पर झपटने को तैयार। पहले मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश आमने सामने होंगे। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। बोल न्यूज़ के नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुकुम तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि बिल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाज 4 नवंबर को फिर होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। ठीक है बच्चे, आपसे अच्छे जीतो एक मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाख हो ले जाओ। और बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे, आपसे अच्छे, जीतो एक मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।